Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. The question here is the following two functions p1 and p2. Okay, p1 ek function humko diya hai, p2 humko ek function diya hai, that share a variable b with an initial value of 2. To jo variable b hai usme initially kitna rakha gaya hai, 2, execute concurrently. Okay, te do function humko diya hai p1 aur p2. Yahan par the number of distinct values that b can possibly take after the execution is, हमें ये बताना है कि b कितनी वैल्यूज़ रख सकता है. ओके, नंबर ऑफ वैल्यूज़ बताना है b के लिए. तो हम देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ p1 p2 दो फंक्शन है, तो नंबर ऑफ लाइंस जिसको हमको एग्जीक्यूट करना है, मैं उनको नंबरिंग कर देता हूँ 1, 2, 3 एंड 4. और b की इनिशियल वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2. तो पहली कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है कि 1, 2, 3 एंड 4. ओके, तो 1 के अंदर क्या हो रहा है, c इक्वल्स टू b माइनस 1, b में कितना रखा है 2, c की वैल्यू हो जाएगी 1. b इक्वल्स टू 2 इंटू c, तो b कितना हो जाएगा 2 इंटू c, c में 1 है, 2 इंटू 1 मीन्स 2. c नाउ थर्ड वन इज d इक्वल्स टू 2 इंटू b, और b में कितना है 2, तो d इक्वल्स टू 2 इंटू 2, यहाँ पर हो जाएगा 4. नाउ फोर्थ वन b इक्वल्स टू d माइनस 1, d में कितना है 4, 4 माइनस 1, b कितना हो जाएगा यहाँ पर 3. एक हमने सेट बना दिया. अब सेकेंड सेट में हम क्या कर सकते हैं, हम रन कर सकते हैं इस ऑर्डर में 1, 3, 2 एंड 4. तो 1 में क्या हो रहा है, c इक्वल्स टू b माइनस 1, b की वैल्यू कितनी इनिशियली 2, तो c इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा 1. नाउ थर्ड d इक्वल्स टू 2 इंटू b, तो d में कितना है 2 इंटू b, b की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4. नाउ सेकेंड वन b इक्वल्स टू 2 इंटू c, तो b में कितना आ जाएगा 2 इंटू c, c की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2. नाउ फोर्थ वन b इक्वल्स टू d माइनस 1, तो d में कितना रखा है 4, 4 माइनस 1 मीन्स हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3. नाउ थर्ड सेट हम क्या बना सकते हैं, 1, 3, 4 एंड 2. तो 1 क्या बोलता है, c इक्वल्स टू b माइनस 1, b में रखा है इनिशियली 2, तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1. नाउ थर्ड d इक्वल्स टू 2 इंटू b दिया है हमको, तो 2 इंटू b में कितना है 2, 2 इंटू 2 मीन्स कितना मिल जाएगा 4. फोर्थ क्या बोलता है, b इक्वल्स टू d माइनस 1, d में कितना है 4, 4 माइनस 1 मीन्स 3. सेकेंड में क्या हो रहा है, b इक्वल्स टू 2 इंटू c, तो b इक्वल्स टू c में कितना है 1, तो 2 इंटू 1 यहाँ पर कितना मिल जाएगा 2. अब हम तो ऑर्डर चेंज करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 3 को रन करेंगे, देन 1 को, देन 2 को, देन 4 को. तो 3 में हमें क्या दिया है, d इक्वल्स टू 2 इंटू b, तो b की वैल्यू कितनी है 2, तो d इक्वल्स टू 2 इंटू 2 मीन्स 4. 1 में कितना है, c इक्वल्स टू b माइनस 1, b की वैल्यू है 2, 2 माइनस 1 यहाँ पर कितना आएगा 1. b इक्वल्स टू 2 इंटू c, ओके, तो b इक्वल्स टू 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1 कितना आएगा 2. फोर्थ वन b इक्वल्स टू d माइनस 1, d में कितना है 4, 4 माइनस 1 मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 3. नेक्स्ट हम लोग रन करके देखते हैं 3, 1, 4, 2. एक्चुअली हम b की पॉसिबल वैल्यूज़ देख रहे हैं, ओके, क्या क्या मिल सकती है. 3 देखो तो मैं d इक्वल्स टू 2 इंटू b, तो 2 इंटू b मीन 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, क्योंकि इनिशियली b कितना है 2. नाउ 1 पे देखे तो c इक्वल्स टू b माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1 कितना मिल जाएगा 1. फोर्थ पे देखे तो b इक्वल्स टू d माइनस 1 मीन b इक्वल्स टू 4 माइनस 1 कितना आएगा 3. सेकेंड पे देखे तो b इक्वल्स टू 2 इंटू c, तो b हमें कितना मिलेगा 2 इंटू 1 मीन्स 2. नेक्स्ट हम ऑर्डर क्या दे सकते हैं, मिल जाएगा 3, 4, 1, 2. 3 में क्या रखा है, d इक्वल्स टू 2 इंटू b, तो d हमें कितना मिलेगा 2 इंटू 2 मीन्स 4, b में 2 है इसलिए. फोर्थ में b इक्वल्स टू d माइनस 1, तो b हमें कितना मिल जाएगा 4 माइनस 1 मीन्स 3. ओके, 1 में c इक्वल्स टू b माइनस 1 है, तो c हमें कितना मिल जाएगा b माइनस 1 मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 है, b में 3 माइनस 1 मीन्स 2. नो सेकेंड b इक्वल्स टू 2 इंटू c, तो b में कितना जाएगा 2 इंटू c, c में 2 है, 2 इंटू 2 मीन्स 4. यदि हम लोग देखें b की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो रही है, एक 3 है, एक 2 है और एक 4 है, मीन्स 3 पॉसिबल वैल्यू हो रही है. तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 3, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज पूछे गए, तो कितना आ गया यहाँ पर 3. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स द कोड. ओके, फॉर्क फॉर्क फॉर्क, 3 फॉर्क फंक्शंस को यहाँ पे कॉल किया गया है.
तुम्हें बताना दी टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएटेड इज, चाइल्ड प्रोसेस कितनी क्रिएट होंगी हमको ये बताना है। तो जब भी हम किसी फॉग को कॉल करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे थ्री फॉग कॉल किए गए, 1 2 3, तो हमको 2 की पावर 3 प्रोसेस यहाँ पर जनरेट होगी, जिसके अंदर एक प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस होगी। यदि हम पेरेंट प्रोसेस को माइनस कर दें तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, चाइल्ड प्रोसेस। सो 2 की पावर 3 कितना होता है यहाँ पर, 8 माइनस 1 इक्वल टू चाइल्ड प्रोसेस कितनी आ जाएगी, 7। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रेड्स ऑफ ए प्रोसेस शेयर। थ्रेड्स ऑफ ए प्रोसेस शेयर, राइट। तो हमको यह बताना है कि किसी प्रोसेस का थ्रेड क्या शेयर करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हमको, तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस के सिर्फ 2 रिसोर्स को थ्रेड शेयर नहीं कर पाता है। वो रिसोर्स है रजिस्टर और स्टैक। रजिस्टर और स्टैक को छोड़ के सारे रिसोर्सेज को थ्रेड शेयर कर सकता है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर बात हो रही है ग्लोबल वेरिएबल की और हीप की, और ग्लोबल वेरिएबल और हीप दोनों को ही थ्रेड शेयर कर सकता है। तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ बॉथ हीप एंड ग्लोबल वेरिएबल, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिकार शेयर्ड बाय ऑल द थ्रेड्स इन अ प्रोसेस। तो थ्रेड क्या शेयर करते हैं ये हमको बताना है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि थ्रेड के पास यदि हम देखें स्टैक और रजिस्टर, इन 2 रिसोर्स को छोड़ के बाकी सारे रिसोर्स प्रोसेस के थ्रेड शेयर कर सकता है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ प्रोग्राम काउंटर, इट इज़ अ काइंड ऑफ रजिस्टर। स्टैक ये तो हमने बताया दिया शेयर नहीं कर सकते। एड्रेस स्पेस इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ, रजिस्टर। तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, इनको थ्रेड शेयर नहीं करता बिकॉज ये थ्रेड के पास खुद के ही होते हैं। डेट मीन्स करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एड्रेस स्पेस मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड। कोड हमको यहाँ पर दिया है, फोर लूप दिया है, फोर आई इक्व टू 0 टू i < n, आई का इंक्रीमेंट हो रहा है, फॉर्क। अगर मैं सिंपल इस कोड को देखूँ तो हमको फोर लूप के अंदर फॉक नाम का फंक्शन दिया है, और जब भी फॉक नाम का फंक्शन कॉल होता है, तो प्रोसेस जनरेट होती है। मीन्स हम बोल सकते हैं 2 की पावर n, जिसमें पेरेंट प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, तो चाइल्ड प्रोसेस कितनी आएगी, 2 की पावर n - 1। तो ऑप्शन बी तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक। बट हमें ये देखना है कि फॉक को कॉल कितनी बार किया जा रहा है। जैसे अगर फॉक 2 बार कॉल होगा तो क्या बोलता है फॉर्मूला, 2 की पावर 2 - 1, ये हमारा आंसर आएगा। अगर फॉक 3 टाइम्स कॉल होगा तो 2 की पावर 3 - 1। लेकिन हमको पता करना है कि एन की वैल्यू कितनी आएगी, मीन्स फॉक को कितनी बार कॉल किया जाएगा। तो यदि मैं देखूँ आई इक्वस टू 0 पे लूप स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा, n - 1 टाइम तक चलेगा। मीन्स आई इक्वल्स टू 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, कब तक चलेगा, n - 1। लेकिन एक बात यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 0 भी इन्वॉल्व है। अगर मैं इस 0 को यहाँ से हटा दूँ, 1 2 n - 1 रखूँ, अगर 0 को मैं यहाँ से हटाता हूँ तो एक टाइम यहाँ पे और बढ़ जाएगा, +1। एक टाइम मैंने कम किया तो +1 हो गया, तो 1 से 1 कितना बचा, 1 2 n। मीन्स लूप कितनी बार कॉल हो रहा है, मैं कहने का मीनिंग है कि लूप n टाइम्स कॉल हो रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, 2 की पावर n - 1। अब अगर मान लो आई इक्वल्स टू 0 की प्लेस पे आई 1 से स्टार्ट होता, उस केस में आंसर क्या आता, 2 की पावर n - 1 - 1, ये हमारा आंसर रहता। दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर सिस्टम हैज 6 टेप ड्राइव्स विथ एन प्रोसेस कंप्लीटिंग फॉर देम। ईच प्रोसेस में नीड 3 टेप ड्राइव्स, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच सिस्टम इज गारंटेड टू बी डेड लॉक फ्री। तो यदि डेड लॉक फ्री की कंडीशन देखें तो हम क्या होती है, यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ऑफ मैक्स नीड ऑफ प्रोसेसेस शुड बी लेस देन नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्लस
नंबर ऑफ रिसोर्सेस, ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास में है, ओके, डेडलॉक फ्री को पता करने के लिए। तो सम ऑफ मैक्सिमम नीड ऑफ प्रोसेसेस, तो एक प्रोसेस की नीड क्या है, 3 टेप ड्राइव। नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी हमारे पास, एन, तो एन प्रोसेस को कितनी टेप ड्राइव लगेगी, 3 × n, ओके। दिस शुड बी लेस देन, नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी हमारे पास, एन, प्लस नंबर ऑफ रिसोर्सेस कितने, 6 टेप ड्राइव हमारे पास में है, डेट मीन्स नंबर ऑफ रिसोर्स कितने, 6। हमें ओनली इसको सॉल्व करना है, तो यदि हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 3n - n इज लेस देन 6, दैट मीन्स 2n इज लेस देन 6। दोनों साइड यदि हम 2 से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, n इज लेस देन 3, तो n की वैल्यू 3 से कम है। तो n की वैल्यू मैक्सिमम क्या रखें कि 3 से कम रहे, अगर n इक्वल टू हम 2 रख दें, ओके, तो मैक्सिमम n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर ए सिस्टम हैविंग m रिसोर्सेस ऑफ द सेम टाइप, दीज रिसोर्सेस आर शेयर्ड बाय 3 प्रोसेसेस ए बी एंड सी। नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी हमारे पास, 3, ओके। विच हैव पीक डिमांड ऑफ 3, 4 एंड 6 रेस्पेक्टिवली, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ m डेडलॉक विल नॉट ऑकर। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला हमारे पास है कि डेडलॉक ना आए उसके लिए, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, दैट इज सम ऑफ मैक्सिमम नीड ऑफ प्रोसेसेस शुड बी लेस देन नंबर ऑफ प्रोसेस प्लस नंबर ऑफ रिसोर्सेस, ये हमारा फॉर्मूला था, ओके, डेडलॉक फ्री को पता करने के लिए। तो सम ऑफ मैक्स नीड ऑफ प्रोसेसेस, तो नीड हमें क्या दी गई है, 3, 4 एंड 6, तो यहाँ पर हम सम कर लेंगे, 3 + 4 + 6। नंबर ऑफ प्रोसेस हमें कितनी दी गई है, 3, ए बी सी, तो नंबर ऑफ प्रोसेस आ गई 3। नंबर ऑफ रिसोर्सेस हमको नहीं दिया, हमको दिया एम रिसोर्सेस दिए, तो नंबर ऑफ रिसोर्सेस कितने हमारे पास, एम, तो हमको m की वैल्यू पता करना है ताकि डेडलॉक ना आए। तो हम देखते हैं 3 + 4 + 6, यहाँ पर हो जाएगा 13 इज लेस देन 3 + m, तो 13 - 3 इज लेस देन m, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 13 - 3 मीन्स 10, 10 इज लेस देन m, सॉरी, दैट मीन्स हमें क्या करना है कि जो m है, m की वैल्यू पता करना है, तो m की वैल्यू 10 से ग्रेटर होना चाहिए तभी डेडलॉक फ्री मिलेगा। तो एम की वैल्यू 10 से ग्रेटर, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी में 13 है जो कि 10 से ग्रेटर है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सिस्टम देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस ई एफ एंड जी, ओके, 4 प्रोसेस P0, P1, P2 एंड P3 एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली एट द आउटसेट, द प्रोसेसेस हैव डिक्लेयर देयर मैक्सिमम रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट्स यूजिंग अ मेट्रिक्स नेम्ड मैक्स अज गिवन बिलो। ओके, एक मेट्रिक्स दिया है हमको मैक्स नाम का, फॉर एग्जाम्पल मैक्स P2F इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टांस ऑफ एप डेट P2 वुड रिक्वायर, मीन्स मैक्सिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर दी गई है प्रोसेस की, ओके, सिंपल सा यहाँ पर मीनिंग है, देन द नंबर ऑफ इंस्टांसेस ऑफ द रिसोर्सेस अलोकेटेड टू द वेरियस प्रोसेसेस एट एनी गिवन स्टेट गिवन बाय मैट्रिक्स नेम्ड अलोकेशन, और जितना अलोकेट किया गया प्रोसेस को यहाँ पर दिया गया है। तो कंसिडर ए स्टेट ऑफ द सिस्टम विद द अलोकेशन मैट्रिक्स अ शोन बिलो एंड इन विच 3 इंस्टांसेस ऑफ ई एंड 3 इंस्टांसेस ऑफ एप आर द ओनली रिसोर्सेज अवेलेबल। सिंपल हमको यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि जो क्वेश्चन है बैंकर्स अल्गोरिथम पर डिपेंड करता है, हमको बैंकर्स अल्गोरिथम की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो किस तरह से हम देखते हैं, हमें एलोकेशन दिया है, मैक्स दिया है, और साथ में हमको एक मैट्रिक्स और दिया है, और वो मैट्रिक्स है अवेलेबल का, तो अवेलेबल के अंदर में क्या दिया है, 3 इंस्टांस ऑफ ई, 3 इंस्टांस ऑफ एफ, मीन्स ई कितना अवेलेबल है हमारे पास, 3, एफ कितना अवेलेबल है, 3, और जी के लिए कुछ दिया नहीं तो हम 0 ले लेते हैं, जी कितना अवेलेबल है, 0। फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक अवॉइडेंस मीन्स वही बैंकर्स एल्गोरिथम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके। देखिए डेडलॉक अवॉइडेंस क्या बोलता है, सिंपली मैं आपको बता दूं
यदि आपको सेफ स्टेट मिल जाए, ओके, अगर सेफ स्टेट मिलती है जैसे यहाँ पर दिया गया है, डेट मीन्स डेड लॉक नहीं आएगा। अगर सेफ स्टेट नहीं मिलती है डेट मीन्स डेड लॉक आ सका। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सेफ स्टेट मिलती है कि नहीं। तो यदि मैं देखो, हमको नीड मैट्रिक्स या बनाना पड़ेगा, तो एक नीड मैट्रिक्स भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बैंकर्स एल्गोरिथम, ओके, इसी चैनल पे। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा तो आपको बैंकर्स एल्गोरिथम मोर क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम नीड मैट्रिक्स यहाँ बनाते हैं ई एफ जी, ओके, पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री के लिए। तो पी नॉट के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पी वन, पी टू एंड पी थ्री। तो पी नॉट के लिए नीड कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 4 चाहिए थे, मिला 1 है, 3। एफ मैक्सिमम 3 चाहिए थे, मिला 0 है। मैक्सिमम 1 चाहिए था, मिला भी 1 है, नीड हो गई 0। ओके, पी वन के लिए अगर मैं नीड देखो तो मैक्सिमम 2 चाहिए थे, मिला 1 है, तो 1 नीड है, 1 1 0। सिंपल हमको माइनस करना है, 4 माइनस 2 2। पी टू के लिए देखें तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0। पी थ्री के लिए देखें तो 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 0 1। ये हमारा नीड मैट्रिक्स है। हमको सेफ स्टेट निकालनी है। तो अगर मैं अवेलेबल में देखूँ, ई कितना अवेलेबल है, 3, और जी अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो पी टू है, जो पी नॉट है, ओके, पी नॉट को हम पहले रन कर सकते हैं, क्योंकि पी नॉट को ई कितना चाहिए, 3, जो कि अवेलेबल है। एफ कितना चाहिए, 3, जो कि अवेलेबल है, और जी नहीं चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, पी नॉट को रन कर देते हैं। जब पी नॉट रन हो जाएगा तो पी नॉट के पास जो भी रिसोर्स है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो जैसे पी नॉट चला, ई वन था, एक और ई यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 4 हो जाएगा। एफ 0 था तो एफ तो एडी नहीं होगा, 3 का 3 रहेगा। जी 1 था तो जी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1। अब पी नॉट के बाद हम किसको रन करें, पी वन को रन कर सकते हैं क्या, यस, नहीं, पी वन को रन नहीं कर सकते, बिकॉज पी वन को जी कितने चाहिए, 2, बट अवेलेबल कितना है, 1। पी टू को रन कर सकते हैं क्या, यस, पी टू को रन कर सकते हैं, क्योंकि पी टू को एफ चाहिए, 3, अवेलेबल कितने, 3, डिमांड पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट पी टू को रन करेंगे तो पी टू के पास क्या क्या है चल जाएगा, वो तो 1 है, ई कितना है, 1, रिलीज़ कर देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। जी कितना है, 3, रिलीज़ कर देंगे तो यहाँ पर 4 बचेंगे। नाउ बारी है किसकी, अब हम किसको रन कर सकते हैं, पी वन को रन कर सकते हैं, क्योंकि ई चाहिए 1, जी चाहिए 2, दोनों ही अवेलेबल है हमारे पास, ओके। देन पी वन के बाद हम पी थ्री को रन कर सकते हैं। तो हमको सेफ स्टेट मिल रही है जिसके अंदर सभी प्रोसेस की डिमांड पूरी की जा सकती है, तो वो है पी नॉट, पी टू, पी वन एंड पी थ्री। तो अगर सेफ स्टेट मिल रही है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, दिस सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट। दिस सिस्टम इज़ नॉट इन सेफ स्टेट, ये करेक्ट नहीं है। दिस सिस्टम इज़ नॉट इन सेफ स्टेट, ये भी करेक्ट नहीं है। दिस सिस्टम इज़ नॉट इन सेफ स्टेट, ये भी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, बात हो रही है वर्चुअल मेमोरी सिस्टम की, द एड्रेस स्पेस स्पेसिफाइड बाय द एड्रेस लाइन्स ऑफ द सी पी यू मस्ट बी ब्लैंक देन द फिजिकल मेमोरी साइज एंड ब्लैंक देन द सेकेंडरी स्टोरेज साइज। हमको आंसर देना है स्मॉलर या फिर लार्जर में। तो एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ। इन ए वर्चुअल मेमोरी सिस्टम द एड्रेस स्पेस स्पेसिफाइड बाय द एड्रेस लाइन्स ऑफ द सी पी यू, ओके, जो एड्रेस स्पेस की बात हो रही है, स्पेसिफाइड बाय द एड्रेस लाइन्स ऑफ द सी पी यू मस्ट बी लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी साइज एंड स्मॉलर देन द सेकेंडरी स्टोरेज, ओके। तो जो एड्रेस स्पेस है वो क्या होगी, स्मॉलर होगी, किससे, सेकेंडरी स्टोरेज साइज से। तो यदि हम आंसर यहाँ पर देखें तो हमको आंसर क्या मिलेगा, लार्जर एंड स्मॉलर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज द स्वेप स्पेस रिसाइड। सो यदि हम पहले स्वेप स्पेस की बात कर लेते, क्या होता है स्वेप स्पेस, मीन्स क्या होता है कि एक टेम्परेरी मेमोरी एरिया होता है, ओके, ऐसा मेमोरी एरिया जिसके अंदर टेम्परेरी, ओके, प्रोसेस को रखा जाता है। अगर किसी प्रोसेस को हम स्वेप करते हैं तो टेम्परेरी रूप से प्रोसेस को जिस एरिया में रखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेप स्पेस। और ये मेमोरी एरिया होता कहाँ पे, डिस्क पे होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, डिस्क।
सो इन नेक्स्ट एपिसोड वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.